हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ एजुटा। टुडे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या है। कौन से टाइप के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव की टर्म इंक्लूड होती है। मतलब कोई भी इक्वेशन जो डेरिवेटिव की टर्म इंक्लूड करता है। ओके, तो प्रॉपरली यहाँ पे जो भी डेफिनेशन है वो है द इक्वेशन विच कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जस्ट आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन की जो डेरिवेटिव की टर्म कंटेन करते। तो डिफरेंशिएशन में हमने स्टडी किया है डेरिवेटिव मतलब क्या है, डी बाय डी एक्स या डी की टर्म, कैपिटल डी को भी हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डी बाय डी एक्स, यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव है हम डी बाय डी एक्स के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या है कि इक्वेशन विच कंटेन द डेरिवेटिव टर्म और द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिख दिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव की टर्म प्रेजेंट है, ये वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमें बाद में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ओके, एट द टाइम वी स्टडी टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जस्ट कंसिडर करते हैं यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव की टर्म है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव की टर्म है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, दिस आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स है। तो नेक्स्ट वन जो कंसेप्ट है कि वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि ऑर्डर क्या होती है एंड डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव appearing in the equation, highest order derivative appearing in the equation is the order of a differential equation। मतलब आपको क्या समझना है कि order मतलब जो भी given equation है उसमें highest order derivative की term कौन सी है, उसकी ऑर्डर जो है वो है हमारी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर यहाँ पे हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो ये कितना ऑर्डर है, ये कितनी ऑर्डर है डेरिवेटिव की, थर्ड ऑर्डर है। मतलब हमने इसे थ्री टाइप्स डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे डी वाई बी डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है, ए। तो ए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो गई थ्री। ओके, इस तरीके से हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें फर्स्ट हमें क्या देखना है कि ऐसी कौन सी टर्म है कि जिसकी ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसकी हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव की, कितनी है, थ्री है। तो थ्री से ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर है क्या, नहीं है। तो ऑर्डर कितनी हो गई, थ्री हो गई, कि जिसकी जिस टर्म की सबसे ज्यादा ऑर्डर है वो होगी ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उस गिवन इक्वेशन की ऑर्डर। ओके, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर कितनी, हाईएस्ट सेकंड है, तो यहाँ पे ऑर्डर हो गई टू। ओके, क्योंकि यहाँ पे टू से ज्यादा तो कोई टर्म नहीं है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो टू है। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे तो ओनली वन ऑर्डर है, बाद में तो कोई नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे कितनी हो गई, वन। तो हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें ए ऑब्जर्व करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है एंड उसकी कितनी ऑर्डर है। ओके, तो इस तरीके से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म की कौन सी है, तो ये यहाँ पे ऑर्डर वन है। ओके, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ऑर्डर टू है, मतलब ये जो
टर्म है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म है, तो ऑर्डर कितनी हो गई, टू हो गई। यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है, ए, तो इसकी ऑर्डर हो गई थ्री। मतलब आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट है, बाद में हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ऑर्डर फाइंड आउट करने लेकिन यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद ही हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो डिग्री, तो देखते हैं डेफिनेशन, डिग्री मतलब क्या है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। यहाँ पे भी फर्स्ट क्या देखना है हमें कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो भी हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टडी किया ना, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपेयरिंग इन द इक्वेशन, यहाँ पे जब हम फर्स्ट क्या फाइंड आउट करते थे कि किसकी हाईएस्ट ऑर्डर है, वो टर्म फर्स्ट हम डिटरमाइन करते थे। यहाँ पे भी वही करना है, फर्स्ट क्या फर्स्ट डिटरमाइन करना है कि किसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है फर्स्ट कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी उसी का पावर कंसिडर करना है, उसका जो पावर है वो होगी हमारी डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है हमें, फर्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी उसका पावर, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इसके रेस्ट टू पावर कितना है, यहाँ पे वन ही है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है, थ्री है, तो ऑर्डर हो गई थ्री। एंड अगर यहाँ पे भी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो यहाँ पे डिग्री होगी वन, क्योंकि फर्स्ट क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कंसीडर करनी है, एंड रेस्ट टू कितना पावर है वो होगी हमारी डिग्री। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे, लेकिन डिग्री फाइंड आउट करते समय एंड एज वेल एज ऑर्डर फाइंड आउट करते समय हमें कुछ एग्जाम्पल्स में जो भी गिवन टर्म है वहां पे सम स्क्वायर रूट की टर्म होती है या क्यूब रूट की टर्म होती है या फ्रैक्शनल के फॉर्म में टर्म होती है, मतलब 3/2 के फॉर्म में, 4/5 के फॉर्म में, या 1/2 के फॉर्म में, 1/3 के फॉर्म में, मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो हमें क्या करना है कि ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने से पहले अगर वहां पे कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फ्रैक्शनल की टर्म है तो उसे हमें इलिमिनेट करना है। तो इलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, अगर वहां पे स्क्वायर रूट की टर्म है तो हमें मालूम है स्क्वायर रूट कब इलिमिनेट होता है, सपोज यहाँ पे स्क्वायर रूट है, जस्ट कंसिडर द एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या है एक्स रेस टू वन, पे तो ये 1/2 पावर कब इलिमिनेट होगा, जब हम स्क्वायर लेंगे, अगर स्क्वायर लेंगे तो ओके, तो स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, रेस टू टू, यानी 1/2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। मतलब अगर स्क्वायर रूट टर्म है तो स्क्वायर लेना है, अगर क्यूब रूट टर्म है तो क्यूब लेना है। ओके, एक क्यूब रूट मतलब क्या होता है, एक्स रेस टू वन, थर्ड अगर हम क्यूब लेंगे तो क्या होगा, ये 3/3 कैंसिल आउट होगा। ओके, वही करना है हमें एग्जांपल सॉल्व करते समय, अगर वहां पे कोई स्क्वायर रूट टर्म है, क्यूब रूट टर्म है या फ्रैक्शनल टर्म है तो हमें उसे फर्स्ट इलिमिनेट करना है, बाद में हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी। तो ऑर्डर मतलब क्या होती है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म, एंड डिग्री मतलब क्या होती है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म का पावर। ओके, यहाँ पे जैसे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म डी क्यू वाई बाई डी एक्स, इसका पावर कितना है, वन है, तो डिग्री कितनी होगी, वन। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो यहाँ पे क्या है कि वन एग्जांपल, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर जो भी एग्जांपल है वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म, ए, ठीक है, तो ऑर्डर कितनी होगी, टू। एंड डिग्री फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है एंड उसका ही पावर देखना है, ठीक है, क्या करना है कि ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना है, वन है, गिवन नहीं है मतलब वन ही है, तो डिग्री कितनी हो गई, वन। मतलब आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना ही इम्पोर्टेंट है, इसका जो भी पावर होगा वो होगी आपकी डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड वन एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे भी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने, तो यहाँ पे कौन सी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म, यही है, ठीक है, तो ऑर्डर कितनी होगी, टू। एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म देखने के बाद रेस्ट टू जो भी पावर है, यहाँ पे पावर गिवन नहीं है, मतलब कितना होगा, वन होगा, तो डिग्री कितनी है, वन ही है। जस्ट हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर इज टू प्लस डी वाई बाय डी एक्स
रेस्ट टू पावर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसकी अगर ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट क्या करना है हमें कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हम फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कितनी है, कौन सी है, ए। तो ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर इज 2 एंड इसका पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री हो गई। ओके, यहाँ पे रेस्ट टू पावर 3 है लेकिन ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म है। ओके, इसका ऑर्डर, इसकी जो पावर है वो 3 है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म है। हमें कौन सा पावर कंसिडर करना है कि जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, कि जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 है, इसका पावर कंसिडर करना है। तो वो कितना है, 2 है, मतलब डिग्री है 2। यहाँ पे पावर ज्यादा है लेकिन डेरिवेटिव कितना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंसिडर करना है एंड उसका जो भी पावर होगा वही डिग्री होगी हमारी। तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल, कि थर्ड जो एग्जांपल है वो क्यूब रूट के फॉर्म में। तो अभी हमने डेफिनेशन देखते समय क्या देखा था कि ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करते समय अगर कोई स्क्वायर रूट टर्म है, क्यूब रूट टर्म है या फ्रैक्शनल टर्म है तो फर्स्ट हमें उसे इलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे क्यूब रूट टर्म है तो इसे क्यूब रूट है ना, रेस्ट टू 1/3 पावर होगा, तो इसे हमें इलिमिनेट करना है। मतलब क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, तो टेकिंग, हमें क्यूब निकालते समय दोनों साइड का भी क्यूब लेना है, इस साइड का एज वेल एज इस साइड का, दोनों साइड का क्यूब लेना है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ओके, दोनों साइड का क्यूब लेते हैं। तो ये क्या होगी, क्यूब रूट है मतलब 1/3 है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो दोनों साइड का क्यूब निकालेंगे तो ये रेस्ट टू पावर क्या होगा, 3 होगा, ये भी रेस्ट टू पावर 3 होगा। ठीक है, ये क्यूब रूट था मतलब इस रेस्ट टू 1/3 टर्म है ना, बाद में हमने क्यूब लिया तो रेस्ट टू 3 पावर, यहाँ पे भी रेस्ट टू 3 पावर। तो ये क्या होगा, ये 3 कैंसिल आउट होगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3। तो हमने अभी एक क्यूब रूट था उसे निकाल दिया है, सिंप्लीफाई किया है। अब हम जो भी एग्जांपल, जो भी टर्म बची है उसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए क्या देखते हैं, हम फर्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है। तो इसे हम लेफ्ट हैंड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या इसे राइट हैंड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या एज इट इज भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर फाइंड आउट करनी है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है, ए। तो ऑर्डर कितनी हो गई, 2 एंड इसका रेस्ट टू पावर इज 3। मतलब फर्स्ट आपको यही डिटरमाइन करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म होगी वो होगी आपकी ऑर्डर एंड उसका जो भी पावर होगा वो होगी आपकी डिग्री। ओके, इस तरीके से आपको जस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, रेस्ट जो भी पावर होगा वो होगी आपकी डिग्री। तो नेक्स्ट वन एग्जांपल जो है वो फ्रैक्शनल के फॉर्म में, मतलब 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 पावर है। तो आपको ये 3/2 पावर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, फ्रैक्शनल के फॉर्म में 3/2, सपोज ए रेस्ट टू यम अपॉन एन के फॉर्म में, तो उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए रेस्ट टू 1/n रेस्ट टू यम के फॉर्म में, क्योंकि हमें मालूम है ए रेस्ट टू यम रेस्ट टू एन क्या होता है, ए रेस्ट टू यम अपॉन एन। ओके, और ए रेस्ट टू यम रस टू यन क्या होता है, ए रस टू यम यन। ओके, उसके फॉर्म में हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेम फॉर्म हमें अप्लाई करना है, 3/2 मतलब कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 रस टू पावर 3 या 3 रस टू पावर 1/2 के फॉर्म में। ठीक है, ये 3 × 1/2 बात, ये 3 × 1/2 क्या होगा, 3/2 ही होगा। ठीक है, इसे हमें जस्ट रीअरेंज किया है कि सच दैट हम उसे, वो जो फ्रैक्शनल टर्म है उसे हम इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3/2 को कैसे लिख दिया है, 3 रेस्ट टू 1/2। ओके, जैसे कि यहाँ पे ए रेस्ट टू यम रेस्ट टू एन मतलब क्या है, ए रेस्ट टू यम इंटू एन होता है ना, या ए रेस्ट टू यम अपॉन एन मतलब क्या है, ए रेस्ट टू 1/n रेस्ट टू यम, या ए रेस्ट टू यम रेस्ट टू 1/n, उसी के फॉर्म में रीअरेंज किया है। तो यहाँ पे 1/2 होगा ये टर्म एज इट इज, तो ये स्क्वायर रूट निकालना, ये क्या है 1/2 टर्म, उसे हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो 1/2 को कैसे निकाल सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट टू 2 पावर, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे तो रेस्ट टू पावर कितना होगा, 2। ओके, रेस्ट टू पावर हो जाएगा 2, मतलब अगर स्क्वायर लेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, रेस्ट टू कितना पावर है, 3। ओके, रेस्ट पावर इज 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे
एट स्क्वायर मतलब 64 इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर। तो ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने के लिए क्या देखना है, फर्स्ट कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की ऑर्डर तो वन ही है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म ए है, उसकी ऑर्डर टू है। देन इसका रेस्ट पावर कितना है, टू है। तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म देखनी है एंड रेस्ट जो भी पावर है वो होगी डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री कितनी है, ऑर्डर इज टू, डिग्री इज ऑल्सो टू। इस तरीके से आपको कोई भी एग्जांपल है गिवन तो उसकी ऑर्डर एंड डिग्री आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, फर्स्ट अगर कोई फ्रैक्शनल टर्म है तो उस फ्रैक्शनल टर्म को सिंप्लीफाई करना है, आइदर टेकिंग स्क्वायर क्यूब ओके, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है। ऑर्डर मतलब क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म कौन सी है ओके, एंड उसका जो भी पावर होगा वो होगी आपकी डिग्री। देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।